गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम प्रत्यय कर रहे थे, प्रत्यय का चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब आगे है इसकी एक्सरसाइज। तुम निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द से जुड़े प्रत्यय के विकल्पों को का सही विकल्प चुनकर लिखिए। कि यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा है, उसमें से आपको इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है वो बताना है। तो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है आवश्यक प्लस ता या अवश्य प्लस कता या अवश्य प्लस कता, तो इसके अंदर कौन सा आएगा, आवश्यक प्लस ता। दूसरा है पाठक, तो पाठक का सही विकल्प होगा पाठ प्लस में के, पाठक। तीसरा है सनसनाहट, सनसनाहट में आएगा सनसन प्लस आहट, सनसन प्लस आहट। परीक्षक में परीक्षा प्लस के, परीक्षक में आएगा परीक्षा प्लस के। पूजा में आएगा पूज प्लस आ, पूजा में प्रत्यय बना पूज प्लस में आ। अगला है हमारा निम्नलिखित प्रत्ययों से निर्मित शब्द छाटिए, कि आपको वो शब्द बताना है जिसमें न प्रत्यय लगा हुआ है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्ययों से निर्मित शब्द छाटिए, कि ऐसा शब्द बताना है जिसमें न प्रत्यय हो। तो इसमें ना पतलून में, दातुन में और खून में न प्रत्यय नहीं है, चलन में न प्रत्यय, चल प्लस में न। तय में तो आपकी आएगा बचत के अंदर, बचत में बच प्लस में तय, बचत हो गया। परास सज्जित और खत में प्रत्यय तय प्रत्यय नहीं है। नी आएगा आपका ओढ़नी में, ओढ़ प्लस में नी, तो ओढ़नी में आपका कौन सा प्रत्यय आएगा, नी प्रत्यय। फिर है ईना, ईना कौन से प्रत्यय, कौन से शब्द में है, महीना में, महा प्लस ईना महीना। अन्न प्रत्यय है, अन्न प्रत्यय आपका है भवन में, किसमें है, भवन में। आगे है नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता, कि यहाँ पर आपको चार प्रत्यय बताए हैं, आ इक स्वत ई, तो आपको बताना है कि समाज में कौन सा प्रत्यय नहीं लगेगा। तो समाज में प्रत्यय नहीं लगेगा आ, क्या समाजा, सामाजिक बन जाएगा, समस्त बन जाएगा और सामाजिक बन जाएगा, लेकिन समाजा नहीं बनेगा। इसी प्रकार से मानव में कौन सा प्रत्यय नहीं लगेगा, मानव में नहीं लगेगा इत प्रत्यय, बाकी सभी प्रत्यय मानव में लग जाएंगे, मानवी, मानवता और मानवीय। देव में पन नहीं लगेगा, दैविक हो गया, देवता हो गया, देवत्व हो गया, लेकिन देवपन नहीं होगा। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित में, प्रफुल्ल में ई प्रत्यय नहीं लगेगा, प्रफुल्ली नहीं बनेगा, बाकी प्रफुल्लत्व, प्रफुल्लित और प्रफुल्लता बन जाएगा। गुण जो है, गुण के अंदर कौन सा प्रत्यय नहीं लगेगा, गुण में नहीं लगेगा एलु, वरना गुणित, गुणी और गुणवान बनेगा, लेकिन एलु प्रत्यय नहीं लगेगा। आगे आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के स्थान पर प्रत्ययुक्त शब्द प्रयुक्त हो रहा है, उन्हें रेखांकित कीजिए। कर हमने उपसर्ग में किया था, वैसे ही बेटा कि जो शब्द ये आपको दे रखा है ब्लू लाइन में, तो इस शब्द की जगह कौन सा, इसको जब हम प्रत्यय लगाकर इसका शब्द बनाएंगे वो क्या बनेगा। जैसे मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है, तो चमक वाले का क्या बन गया, चमकीले, कैसे बन गया, चमकीले। दूसरा, यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है, तो कुम्हार की स्त्री को क्या बोलते हैं हम, कुम्हारिन, तो क्या आएगा, कुम्हारिन। वह स्वभाव से घूमने वाला है, घूमने वाले को बोलते हैं घुमक्कड़, घूमने वाले का प्रत्यय क्या बनेगा, घुमक्कड़। धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, धर्म के काम यानी कि धार्मिक। उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं, गांव वालों जैसी यानी गंवारू। इन किन शब्दों के साथ निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता, सही का चिन्ह लगाइए, कि इसके साथ में कौन सा प्रत्यय है जो नहीं लगेगा। दो पहले हमारे प्रत्यय शब्द दे रखे थे, अब हमारा प्रत्यय दे रखा है, उसके साथ में चार शब्द दे रखे हैं, तो किसमें नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा स्वस्थ में, स्वयं में नहीं लगेगा, पशुत्व में लग जाएगा, निजित्व लग जाएगा और लिखित्व लग जाएगा। ता जो है सुंदर में ता लग जाएगा, सौंदर्यता नहीं लगेगा, लघुता हो जाएगा, निजता हो जाएगा, लेकिन सौंदर्यता नहीं होगा। इक में है धार्मिक लग जाएगा, लौकिक में लग जाएगा, पौराणिक में लग जाएगा, धनिक नहीं होगा, तो किसमें नहीं लगेगा, धन में नहीं लगेगा। ला से पिछला, अगला, निचला, लेकिन ऊपरला नहीं होगा, तो ऊपर में ला प्रत्यय नहीं लगेगा। इला जहरीला हो गया, बर्फीला हो गया, शर्मीला हो गया, लेकिन नमकीला नहीं होगा, नमकीन होता है, नमकीला नहीं होता, तो नमक में नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द से जुड़े उपसर्ग और प्रत्यय के विकल्पों में से सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए।
तो शब्द है हमारा अनुदारता। अनुदारता का सही जो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय होगा वो होगा अन प्लस उदार प्लस ता। तो अन उपसर्ग उदार मूल शब्द और प्रत्ता इसमें प्रत्यय है। ऐसे ही बद चलनी में बद उपसर्ग चलन मूल शब्द और ई इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है निश्चिंता। निश्चिंता में नी आपका मूल उपसर्ग होगा, चिंत इसके अंदर मूल शब्द होगा और ता इसमें प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है आपका बेकारी। बे इसके अंदर उपसर्ग होगा, कार इसमें मूल शब्द होगा और ई इसके अंदर प्रत्यय होगा। अज्ञानी। अज्ञानी में ए उपसर्ग ज्ञान मूल शब्द और ई प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित खंड क के शब्दों को खंड ब में दिए गए उचित मिलान करना है। तो हमें ये एक में आपको शब्द दे रखे हैं, दूसरे में प्रत्यय दे रखे हैं, तो आपको सही मिलान करना है कि किसके साथ में कौन सा प्रत्यय लगेगा। पहला शब्द है बेटी, बेटी में लगा ई आ, क्या बन गया बेटियां। खजाना में ची लगा खजानसी, त्याग में ई लगा त्यागी, परिपूर्ण में ता लगा परिपूर्णता। पत्र कार मोटा पा धन वान परीक्षक। पीछे पिछला बूढ़ा में आपा बुढ़ापा, खट्टा में आस खटास, बंगाल में ई बंगाली। मिल में आन मिलान, भूल में अक्कड़ भुलक्कड़, तैर में आग तैराक, सज में आवट सजावट। मीठा में आस मिठास, सफल में ता सफलता, नमक में इन नमकीन और प्यास में आ प्यासा। तो बेटा ये सभी ये वाले आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, सभी एक्सरसाइज है वो। और हमारा एक प्रश्न रह गया था कल कि प्रकारे की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय के दो दो उदाहरण दीजिए। तो प्रकारे की दृष्टि से जो प्रत्यय है उसके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, क्योंकि ये दोनों ही हम प्रश्न पहले कर चुके थे कृत और तदित प्रत्यय सेकंड में, इसलिए इसको नहीं करना। और इनके दो दो उदाहरण आप इसी प्रश्न में लिख लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एज यू ऑल नो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन पार्ट नंबर 4। सो स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर agriculturalist, okay, means about 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture, okay. So let's continue. Industry was found in pockets, mean industry जो थी वो found in pockets, इसका मतलब है कि एक तरह से जो पूंजीवादी लोग थे या capitalist थे या जिनके पास जिनकी जेब में पैसा था एक तरह से, तो industry उनकी थी, means capitalist की थी, पैसे वाले लोगों की या धनी वर्ग की। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को ही रूस के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स, मीन्स रूस में जो कारीगरों की वर्कशॉप थी, वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़ी फैक्ट्रीज भी मौजूद थी, बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। और ज्यादातर लोग लेकिन क्या करते थे, जो उत्पादन करते थे वो ज्यादातर कौन करते थे, वर्कर्स ही करते थे, मींस कारीगर ही करते थे, क्राफ्ट्समैन ही करते थे। सेवरल फैक्ट्रीज वर सेट अप इन द 1890s व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, मींस कि बहुत सारे जो फैक्ट्रीज थे वो कब स्टार्ट हुए थे, बहुत सारे कारखाने 1890 में रूस में जब रेलों को एक्सटेंड किया गया था या रेलवे नेटवर्क या रेलों का जाल बिछाया गया था एक तरह से, उस समय चालू हुए थे। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड मींस कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था या विदेशी निवेश था वो भी उसी दौरान इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन ऑफ कोल गोट डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, मींस जो इन कारणों से क्या हुआ कि कुछ ही सालों में रशिया में कोयले का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया, दोगुना हो गया, और स्टील का, आयरन एंड स्टील का जो आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था, वो चौगुना हो गया या चार गुना हो गया। बाय द 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर,
अब सन 1900 के अंत तक क्या हुआ कि कुछ एरियाज में कारीगरों और कारखाना में मजदूरों की संख्या, क्राफ्ट्समैन और फैक्ट्री वर्कर्स, इन सब की जो है संख्या एक तरह से लगभग एक समान हो गई थी। मींस जितने कारखाने के मजदूर उतने ही कारीगर, उतने ही क्राफ्ट्समैन। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। मीन्स अब ज्यादातर कारखानों पर किसका ऑनरशिप होती थी? उद्योगपतियों का या इंडस्ट्रियलिस्ट का। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज। अब गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज करती थी, मीन्स एक तरह से नजर रखती थी लार्ज फैक्ट्रीज पे, बड़ी फैक्ट्रीज पे। किस लिए? टू एंश्योर लेस वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, कि मजदूरों को जो है न्यूनतम वेतन अगर मिल रहा है तो काम के घंटे भी जो है निश्चित होने चाहिए। लेकिन बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स थे उनको भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। मींस नियमों को तोड़ा गया। द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स। अब कारीगरों की जो वर्कशॉप्स थी वहां पे 15 आवर्स तक लोगों को काम करना पड़ता था, जबकि जो फैक्ट्रीज के में मजदूर थे, कारखानों में जो मजदूर थे वो आमतौर पर कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज, मींस 10 से 12 घंटे ओनली काम करते थे। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटरीज, मींस मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक विभिन्न प्रकार की व्यवस्था होती थी। अब डॉर्मिटरी क्या होता है? ये एक तरह से एक होल टाइप में जो उनके वर्कर्स के स्लीपिंग उसके लिए बनाया गया था, फैसिलिटी के लिए, ओके, उसको हम डॉर्मेट्री यहाँ पे बोल रहे हैं, रूम्स की तरह या बड़े हॉल्स की तरह जो था। वर्कर्स वर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब सामाजिक स्तर पर मजदूर जो है, वर्कर्स जो है, वो विभिन्न ग्रुप में बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस, कुछ के तो अपने गांव से अभी भी अच्छे लिंक्स थे, फ्रॉम विच दे केम, जहां से वो आए थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली, लेकिन दूसरे लोग क्या थे कि सिटी में परमानेंट जो है एडजस्ट हो गए थे, सेटल हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। अब यहाँ पे वर्कर्स को भी स्किल के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया था, मींस उनमें एक तरह से योग्यता के आधार के स्तर पर भी बहुत ज्यादा अंतर था। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने या एक मेटल वर्कर ने एक बार कहा था कि मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड themselves aristocrats among them, among other workers. Their occupations demanded more training and skill. कि जो ये मेटल वर्कर्स थे, मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, बड़ा मानते थे, क्योंकि उनके काम में ज्यादा ट्रेनिंग और निपुणता की जरूरत रहती थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। अब 1914 में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों में औरतों की संख्या या वुमेन की संख्या कितनी थी? 31% के लगभग। लेकिन होता क्या था? बट लेस वेजेस वर पेड टू वुमेन देन मैन, बिटवीन हाफ एंड थ्री क्वार्टर्स ऑफ ए मैन्स वेज। मींस लेस वेज मींस कम मजदूर दिया जाता था, कम मजदूरी दी जाती थी उनको पुरुष मजदूरों के मुकाबले। जेंट्स के कंपेयर में बहुत कम वेतन जो है उनको मिलता था, मर्दों के वेतन के मुकाबले आधे से तीन चौथाई तक, बिटवीन हाफ एंड थ्री क्वार्टर्स ऑफ ए मैन्स वेज। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। तो एक तरह से जो वर्कर्स का भी डिवाइडेशन किया गया था, ये उनके पहनावे से और उनके मैनर्स से भी साफ साफ दिखाई देता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन। अब कुछ वर्कर्स ने तो एसोसिएशन भी बनाए थे, कुछ संगठन भी बनाए थे। किस लिए? टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वर लेस। इन्होंने किस लिए बनाए थे? कि बेरोजगारी के टाइम में या आर्थिक संकट के टाइम में एक दूसरे को मदद पहुंचाने के लिए कुछ संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे, वर लेस। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क वेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स ऑफ वर्क कंडीशंस। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 टू 1897 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। अब इसमें क्या है कि इतने सारे विभेद थे, इतने सारे डिविजन्स थे, तो यदि किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उनको कोई मालिकों से कोई शिकायत करनी होती थी तो क्या करते थे? ऑल वर्कर्स गेट टूगेदर, मीन्स एकदम एकजुट होकर हड़ताल करते थे, स्ट्राइक करते थे,
और बहुत सारी स्ट्राइक्स इस तरह की हुई हैं। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली। अब ऐसी स्ट्राइक्स जो है इन 1896 से 1897 के बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और 1902 में धातु उद्योगों में अनेक ऐसी हड़तालें भी हुई मेटल इंडस्ट्री में। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब गांव की ज्यादातर जमीन का इस्तेमाल किस लिए करते थे किसान? पीजेंट्स, खेती करने के लिए। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज। लेकिन विशाल देश की जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर नोबल्स का, राजाओं का और ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन्हीं का अधिकार था। पीजेंट्स टू वर ऑल्सो डिवाइडेड लाइक वर्कर्स। अब किसान भी वर्कर्स की तरह बटे हुए थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस। अब उनकी जो प्रवृत्ति थी वो भी बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, धार्मिक थी। बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। तो कुछ लोगों को छोड़कर या एक दो को छोड़कर वे भी नोबल्स का या राजाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। नोबल्स गोट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रो देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रो लोकल पॉपुलरिटी। अब जो नोबल्स थे उनको उनकी पावर और पोजिशन के तहत, मीन्स जो एक तरह से राजा जार की सेवाएं कर रहे थे उसके बदले में जो उनकी निष्ठा थी वो उसकी वजह से मिली हुई थी, उनकी पॉपुलरिटी की वजह से नहीं। मीन्स नोबल्स को उनकी पावर राजा जार की सेवा करने के बदले में मिली थी, नहीं ना कि उनकी पॉपुलरिटी की वजह से। ओके, दिस वॉज नॉट लाइक फ्रांस वेयर। अब ये सारी चीजें वहां पे फ्रांस की तरह से नहीं थी। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फाउट फॉर देम। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हमने देखा कि ब्रिटेनी के पीजेंट्स जो थे वो अपने नोबल्स का, अपने राजाओं का एक तरह से रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा, और फाउट फॉर देम, उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयां भी उनको लड़नी पड़ी। मीन्स उनका सम्मान करते थे और अपने नवाबों को बचाने के लिए उन्होंने अनेक लड़ाइयां भी लड़ी। लेकिन रशिया में इसके बिल्कुल अपोजिट था। इन रशिया पीजेंट्स वॉन्टेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रूस के किसान क्या चाहते थे कि राजाओं की जमीन छीनकर किसानों में बांट देना चाहते थे। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज्ड टू पे रेंट, और उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम कोई रेंट पे नहीं करेंगे। और बहुत से किसान थे ऐसे जो कि रेंट पे नहीं करते थे, एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और कुछ जमींदारों के मर्डर्स भी हुए। दिस ऑकवर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया 1902 में। ये साउथ रशिया में या दक्षिणी रूस में एक लार्ज स्केल पे हुई इस तरह की घटनाएं, एंड 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। पूरे रूस में भी इस तरह की घटनाएं हुई 1905 में। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। रशियन पीजेंट्स जो थे, रूसी किसान जो थे, वो अदर यूरोपियन पीजेंट्स के कंपेरिजन में बिल्कुल अलग थे। दे पूल देयर लैंड टूगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून मीन्स मीर, मीन उनका जो मालिक होता था या एक तरह से उनका जो हेड था, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। मीन्स यहाँ के किसान क्या करते थे, टाइम टाइम पे सारी जमीन को अपने कम्यून मीन्स मीर के हवाले कर देते थे, और फिर ये जो कम्यून थे यही क्या करते थे, प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक फैमिली की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन को बांटते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, सोशलिज्म इन रशिया। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज ज्योति मैम, योर मैथ्स टीचर। लेट्स स्टार्ट टुडे आवर मैथ्स क्लास, चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे आज हम। 13.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। जो कोन है हमारा, ये कोन की शेप होती है, रफली बनाया हमने, ये जो है यहाँ से ये बेस इसका सर्कुलर होता है, ये रेडियस है हमारे पास, ये जो हाइट है वो एल है, एल का मतलब क्या है, स्लेंट हाइट, और ये हाइट है इसमें।
तो इसमें हमें क्या गिवन है, रेडियस डायमीटर ऑफ बेस गिवन है 10.5 एंड स्लेंट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया और टोटल. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5.25 सेंटीमीटर. और जो इसकी स्लेंट हाइट गिवन है, स्लेंट हाइट मीन्स एल 10 सेंटीमीटर. तो हमें पहले क्या निकालना है, सी एस से ऑफ कौन कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है पाई आर एल. सभी थ्री डी शेप्स के फॉर्मूले हम फर्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर चुके हैं. तो सी एस सी ऑफ कौन होता है पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 5.25 एंड रेडियस सॉरी एल 10. तो 22/7 पॉइंट हटाने के लिए हम 100 का यूज़ करेंगे इनटू में 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 पे कैंसिल हो सकता है ये, 7 7 7 जा 49, 7 5 जा 35. तो हमारे पास आ गया 22 × 75 अपॉन में 10. अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 15 पर 5 2 जा 10, 2 को 11 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 11 × 15 आ गया, 5 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 1 जा 11 और 5 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये हमारा इसका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया. अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, देखो कर्व सरफेस में हमें इसका सर्कुलर बेस क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो पाई आर स्क्वेयर होता है सर्कल का एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया हमारा बन गया पाई आर कॉमन आएगा एल प्लस आर. तो इसको सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर 5.25, एल 10 प्लस 5.25. 22/7, 5.25 5 में इसको ऐड करेंगे तो 5.25 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15.25. पॉइंट हटाने के लिए 100 का यूज़ करेंगे हम. अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 से, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35. और भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 0 0 15 पर, ठीक है. अब ये 10 पर कैंसिल, ये 11 पर कैंसिल हमारा. इसके बाद हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 2 5 को 15 और 11 से. 11 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी थी, 165. मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 126, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 30 1 9 5 2 5 1 5 2 5 5 10 और 6 16 7 2 9 और 1 10 और 1 11 9 5 14 और 1 15 2. ये आ गया हमारे पास, इन सब का कैलकुलेशन आ गया हमारे पास 2,51,625 अपॉन में 1,000. 1,000 का पॉइंट लगाएंगे, 251.625 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये कौन का क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया. इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन इफ इट्स स्लेंट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24. तो स्लेंट हाइट हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा, स्लेंट हाइट मीन्स एल
21 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी 24/2 12 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई आर इंटू में एल प्लस आर। पाई कितने हैं 22/7, रेडियस 12 इंटू में 21 प्लस में 12, 22/7 इंटू 12, 21 में 12 ऐड करेंगे 33, कैंसिल नहीं हो सकता, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 33 को 12 से मल्टीप्लाई, 12 थ्री जो 36, 3 कैरी, 12 थ्री जो 36 और 3 39। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 26 जो 12, 29 जो 18 वन 19, 23 जो 6 और 1 7। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेम डिजिट आ जाएंगे हमारे पास 2 11, 16 1 17, 7 1 8। ये आ गया 8 7 1/2/7। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 पॉइंट, 7 4 जा 28 समथिंग अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल सरफेस एरिया। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास ऑफ 9th, एंड आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। एंड नाउ वी आर डूइंग इन दिस यूट्यूब क्लास द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ लेसन नंबर सेकंड, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो लेट अस स्टार्ट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड दिस इज द, ये क्वेश्चन बेटा फर्स्ट हमारे पास है। देखिए, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एडवेंचर ऑफ टोटो एंड हाउ डिड ही गेट ऑन नर्व ऑन ऑफ आल एंड आल। तो ये हमने कर लिया था और अब हम क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है। हाउ डिड टोटो टूर्नामेंट हिज कंपेनियंस इन बिग बैग एंड स्टेबल। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया था और अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन थर्ड हमारे पास क्या है, हाउ डिड ग्रैंडफादर हैंडल एंड टॉलरेट एंड फाइनली गेट राइड ऑफ द मिसचीवियस, ये देखिए मिसचीवियस मंकी टोटो। तो यहां पर हम इसकी स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा बनेगा, दिस इज आवर आंसर, ग्रैंडफादर हैड ए हॉबी ऑफ कीपिंग ए प्राइवेट जू। यानी दादाजी को बेटा एक आदत थी, वो अपना एक निजी चिड़ियाघर बनाना चाहते थे। ही कैप्ट ए टोटवाइज, उनके पास एक कछुआ था, रैबिट्स खरगोश थे एंड स्क्वेरल गिलहरी इन ए बिग केज, एक बड़े पिंजरे में इन्होंने उनको रख रखा था। वन डे ही बोट टोटो, एक दिन उसने टोटो को खरीद लिया, ए लिटिल रेड मंकी, एक छोटा सा लाल बंदर था बेटा वो, फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक तांगे चलाने वाले से, फोर फाइव रुपीज, 5 रुपये में उसने खरीदा। ही कॉल्ड दिस वीक क्रिएचर प्रेटी, उसने इस प्राणी को जो एक कमजोर प्राणी था जिसको उसने सुंदर कहा, धूर्त प्राणी को। ही कैप्ट टोटो ए सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, उसने टोटो को बेटा दादी माँ से मतलब गुप्त रखा, बताया नहीं क्योंकि दादी माँ लड़ाई होती उससे। ही टॉलरेटेड हिज मिसचीफ फॉर क्वाइट सम टाइम, उसने उसकी कुछ आदतें यानी शरारतें जो है कुछ समय के लिए तो बर्दाश्त की। ही पुट
टोटो इन ए लार्ज बैग. उसने टोटो को एक बड़े बैग में रखा एंड टुक हिम टू सहारनपुर. तो सहारनपुर वाली घटना यहाँ पर लेखक हमें बताना चाह रहा है. ही हैड टू पे रेल फेयर फॉर टोटो, यानी उसका किराया भी दिया उसने टोटो को, टोटो का. ही शिफ्टेड हिम टू स्टेबल, उसने उसे शिफ्ट भी कर दिया अस्तबल में. वेयर ही ट्रबल्ड नाना, जहाँ पर उसकी नाना के साथ नहीं बनी. ही ओवरलुक्ड टोटो वीकड वेज व्हेन ही टोर थिंग्स इनटू पीसेस और मेड ए होल इन द ड्रेस ऑफ लेडीज. अच्छा, यहाँ पर क्या बताया आपने, उसकी एक जो धुत भरी कहानी जो है, व्हेन ही टोर थिंग्स इनटू पीसेस, तो बताया क्या कि भाई वो चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता था. और एक बार तो उसने यहाँ पर होल बना दिया लेडी ड्रेस के अंदर, जो कि हम कहेंगे हमारा जो राइटर है ऑथर है उसकी चाची की साड़ी फाड़ दी थी उसने. बट वन डे, एक दिन, टोटो नॉट ओनली एट अ पुलावा बट आल्सो ब्रोक द प्लेट्स, उसने पुलवा उनका खाया ही नहीं बल्कि प्लेट भी तोड़ी. ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट सच ए डिस्ट्रक्टिव मंकी कुड नॉट बी केप्ट एज पैट. तो दादाजी ने महसूस कर लिया कि भाई ये तो बड़ा विनाशकारी बंदर है, इसको पालतू ग्रुप में नहीं रखा जा सकता. ही सोल्ड हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज, उसने टांगा चलाने वाले को वापस उसे 3 रुपये में लौटा दिया. तो ये हो गया भाई हमारे पास सेकेंड चैप्टर कंप्लीट. अब मैं इसी वीडियो में बेटा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो हमारे पास बुक है मोमेंट, तो बाकी का समय जो मैं आपको बता दूँ इसमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ. ये जो हमारी मोमेंट जो बुक है बेटा, इसका अगर हम कंटेंट अगर खोलते हैं और हम इसको देखते हैं, तो बेटा इसमें आप देख लीजिए हमारा इसमें से 30% जो सिलेबस जो है वो डिलीट हुआ है. तो 30% में हमारे पास देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारे सिलेबस में है. दूसरा हमारे पास है बेटा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है. ऑथर्स हमारे पास है रस्किन बॉन्ड, ये चैप्टर भी है. अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की. दिस इज द थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर. आर के लक्ष्मण इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर और ये चैप्टर बेटा हमारे कोर्स से डिलीट कर दिया गया है 9th के कोर्स से. तो जो कोर्स में अब इस बुक में जो सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा वो हमारा थर्ड चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये थर्ड चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है और हम फोर्थ चैप्टर पर अब आ गए हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल ये चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है और इससे आगे मैं आपको इसी चैप्टर की वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करूंगा. हम और आगे बढ़ते हैं बेटा. अब हमारे पास आता है द हैप्पी प्रिंस. ये देखिए यहाँ पर आ जाइए 5th पर, द हैप्पी प्रिंस हमारे पास है पेज नंबर 28 पर. ऑस्कर वाइल्ड हमारे इसके ऑथर हैं. तो ये हमारा चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरशामा, हर्ष मेंडर. ये चैप्टर भी हमारे पास है. द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ ओ हेनरी. ये चैप्टर भी हमारे पास है. ए हाउस इज नॉट ए होम ये चैप्टर भी हमारे पास है. और ये चैप्टर जो हमारे पास है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट ये हमारा इसमें से निकाल दिया गया है. ठीक है, तो इस चैप्टर को भी यहाँ से हटा दिया गया है. बाकी द बेगर और रोड सेफ्टी ये दोनों एक्स्ट्रा है. मेन हमारा यहीं तक 8th तक हो जाता है. तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. कोई भी अगर दिक्कत हो तो बेटा आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम रीता शर्मा फ्रॉम MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स, वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस. बच्चों आज हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. कल हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझा था. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एलिमेंट्स आर कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाई मास.
A compound always consists of same element. एक कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर के बनता है, वो ही एलिमेंट हमेशा कंपाउंड को बनाएंगे और उनका जो रेशियो बाय मास जो हम लेते हैं कंपाउंड बनाने के लिए वो भी क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, वाटर फॉर्मेशन जब होता है तो हाइड्रोजन हमेशा वन पार्ट ली जाती है और ऑक्सीजन के 8 पार्ट। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। अगर इस मास में हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं लिया तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप इस क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन का मास 3 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का 24 ग्राम हो जाएगा, दोनों ही ट्रिपल होंगे। तो बेटा ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन था, आज हम इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखिएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर बनाते हैं और किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:8। 1:8 का मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन हम 3 ग्राम ले लें तो ऑक्सीजन हमें कितनी चाहिएगी। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखिएगा हम इसका सोल्यूशन करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हमें किसका मास निकालना है, ऑक्सीजन का। स्टेटमेंट बनाते हैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन चाहिए 1 ग्राम को, 8 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। हमें कितने ग्राम हाइड्रोजन दी गई है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 × 3 = 24 ग्राम। इट मीन्स 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कम्प्लीटली विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी से ही ये न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अगर यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 ग्राम होता तो इसको 5 से मल्टीप्लाई हम कर देते। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों। अ 0.25 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और बोरोन से मिलकर के बनाया, कितना ग्राम दे रखा है, 0.25 ग्राम। वाज फाउंड बाई एनालिसिस टू कंटेन, इसका एनालिसिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया तो इसमें 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन है एंड 1.44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाई वेट। एक कंपाउंड है बेटा बोरोन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, उसका वेट दे रखा है, इस कंपाउंड में इतना ग्राम तो बोरोन है और इतने ग्राम ऑक्सीजन है, तो कंपाउंड में इनकी परसेंटेज निकालनी। तो बेटा जब भी कभी परसेंटेज बाई वेट निकालना हो तो जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे इस बोरोन और ऑक्सीजन दो चीजें प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको निकालनी है तो ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालेंगे। तो देखिएगा बच्चों कैसे निकालना है हमने, सॉल्यूशन देखिएगा। मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड में बोरोन का मास कितना है बच्चों, बोरोन का मास है 0.096 ग्राम, ठीक है, 0.096 ग्राम। और मास ऑफ कंपाउंड है 0.24 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बोरोन कितनी होगी, बोरोन की परसेंटेज कितनी हो गई, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों, 100 से। तो देखिएगा हम यहां कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, मास ऑफ बोरोन कितना है 0.096, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.24 और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 से। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए बच्चों देखो यहां से डेसिमल हटाएंगे, यहां पे 3 जीरो आएंगे, डेसिमल हट जाएगा, 3 जीरो आएंगी, ये डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो
तो 20 आएगी। इसको हम सोल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल और 24 4 जा 96, तो ये आ जाएगा बच्चों 40%। कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका? 40%। ऐसे ही ऑक्सीजन की परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर ना भी निकाले अगर आप ऑक्सीजन की परसेंटेज ना भी निकाले तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बच्चों परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100 ग्राम हमारे पास मास है, तो 40% अगर हमारे पास बोरोन आ गया तो ऑक्सीजन कितना आ गया? ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन आ जाएगा बेटा 100 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 60% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन की परसेंटेज? मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर, मास ऑफ कंपाउंड नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब ये जो आपका 0.096 लिखा था इसकी जगह आपका 1.44 ग्राम आ जाएगा। तो आप इसको करके देखिएगा ऑक्सीजन की परसेंटेज 60% आती है या नहीं आती है। ठीक है बेटा। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया जाता है 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अब इस स्टेटमेंट से देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है, किससे बन रहा है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। और कितना कितना मास ले रखा है? 3 ग्राम तो कार्बन का ले रखा है, 11 ग्राम 3 ग्राम तो कार्बन का ले रखा है और 8 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कंबाइन होंगे 3:8 के रेशो में। अगर 3 ग्राम कार्बन है तो उसके साथ 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप 6 ग्राम कार्बन लेते हो तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्योंकि 3 ग्राम कार्बन लेंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कितना मास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन तो 3 ग्राम ही लिया है लेकिन ऑक्सीजन 50 ग्राम ले लिया है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर? तो बेटा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 11 ग्राम। और यहाँ पे ये कह रहा है कि कार्बन तो 3 ग्राम ही रखा, अब जब कार्बन 3 ग्राम है तो वो तो उसको तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए रिएक्ट करने के लिए, 50 ग्राम ऑक्सीजन नहीं चाहिए बेटा। अगर इसको चेंज करता तो फिर ये चेंज होता। अब इसने कार्बन तो 3 ग्राम ही रखा और ऑक्सीजन को 50 कर दिया, तो ये तो रॉन्ग है, फिर तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे नहीं होगा। तो बच्चों देखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन अ रेशो ऑफ 3:8, कार्बन 3 ग्राम और ऑक्सीजन 8 ग्राम। इट मीन्स इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट देन ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। बट हमें ऑक्सीजन कितनी दे रखी है बच्चों? 50 ग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 50 ग्राम। इफ कार्बन इज टेकन एज 3 ग्राम देन ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। बट हमें दे कितनी दी बच्चों? 50 ग्राम। इसका मतलब हमें दिया तो उसने 50 ग्राम है, इसका मतलब ये हो गया कि 50 में से 3 ग्राम माइनस कर दो, वो तो अनरिएक्टेड बच जाएगी, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी बच जाएगी बेटा 50 दे रखी है, एक्सेस में दे दिया बहुत ज्यादा, तो 3 माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा कितना? 42 ग्राम 47 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बच जाएगी, इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि हमें पता है अगर कार्बन 3 ग्राम लिया है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम ही चाहिए। और इसने ये भी पूछा है विच
विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, तो हम लिख देंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, या आप इसको लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन का लॉ भी हम इसको कह सकते हैं, जो हमारे आंसर को गवर्न करता है, हमें आंसर के बारे में बताता है। तो बच्चों आज हमने ये तीन न्यूमेरिकल किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन और कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है उसके बेसिस पे। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए टिश्यू चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जो कल हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज किया था, आज फिर दोबारा से हम इसको करने जा रहे हैं। तो सिम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखिएगा, ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट हेल्प इन अ परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉमन फंक्शन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप की सेल्स का और सभी मिलके क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो कहाँ मिलेंगे आपको, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या है आपको देखने को मिलेंगे। Both these together called as a vascular tissue. मतलब जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जहाँ पर मिल गए ना तो उसको हम क्या कहेंगे, वेस्कुलर टिश्यू कहेंगे। उसके बाद है both these tissues are an assembling of living and dead cells and may be primary or secondary depending upon their mode of origin. कई बार हम देखते हैं जो टिश्यूज़ हैं उनकी असेंबलेंस हैं कि कौन सी लिविंग है और कौन सी डेड है, ये हम तभी बता सकते हैं उसके मोड ऑफ ऑरिजिन के आधार पर कि कौन सी टिश्यू लिविंग है, तो इसका मतलब प्राइमरी है, नॉन लिविंग में या सेकेंडरी तक पहुंच जाती है। इसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पॉइंट, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है वो क्या करता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट करता है और फूड मटेरियल को क्या करता है, प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक तो है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम। जाइलम की अगर मैं बात करता हूँ, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कंडक्शन करना, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को क्या करना, रूट से कंडक्ट करना ताकि प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुँचाया जा सके। दूसरा प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट होते हैं प्रोकैम्बियम पार्ट से जो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी जाइलम जो एलिमेंट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से जो कि लेटरल मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। वहीं जाइलम एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो ये चार टाइप्स के होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और पैरेन्काइमा। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स टिश्यू को क्या है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के अंदर। सबसे पहले हम जाइलम टिश्यू को ही देखेंगे, तो इसका जो मेन फंक्शन है जाइलम का वो क्या है, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को क्या करना, कंडक्ट करना, कहाँ से, रूट से वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट तक। दूसरा इसमें देखेंगे जो प्राइमरी जो जाइलम एलिमेंट्स हैं ना वो प्रोकैम्बियम से बनती हैं और प्रोकैम्बियम कहाँ होता है, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से क्या है ये प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं। वहीं सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं जो कि लेटरल मेरिस्टेम का ही पार्ट है। जाइलम के चार टाइप्स होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आपको नजर आएगा, ये सबसे पहला क्या है, ए जो वह है ए और बी, ये है बच्चों वेसल, ठीक है, और सी और डी की बात करें तो ये क्या है, ट्रैकेट्स, और ई की बात करें तो ये क्या है भाई, फाइबर, और एफ की बात करें तो क्या है, वुड पैरेन्काइमा। ये आपको यहाँ पर फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, फ्लोएम की सहायता से आप सभी बच्चों को मालूम है कि ये फूड को क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करने का काम करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जाइलम ट्रैकेट्स की, जाइलम ट्रैकेट्स की अगर बात करते हैं तो ये लिग्निफाइड होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, इसमें बॉर्डर्ड बिट्स आपको क्या है नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जाइलम ट्रैकेट्स क्या करता है, वाटर की कंडक्शन करने में हेल्प करता है, वो भी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, और मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है। किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम ट्रैकेट्स की। वहीं दूसरी तरफ जाइलम वेसल्स की अगर हम बात करते हैं
तो ये जो सेल्स हैं थोड़ी सी लंबी होती है, ट्यूबुलर होती है, और लिग्निफाइड सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्रॉस वॉल की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से क्या होता है, ये एट द बोथ द एंड डिजोल्व्स एंड फॉर्म ए पाइप लाइक चैनल। एक प्रकार से देखा जाए तो क्रॉस वॉल आपको देखने को मिलेगी, एंड वॉल देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चैनल आपको यहाँ से मिलेगा जिसकी सहायता से जो वाटर है वो क्या कर होता है बच्चों, कंडक्ट होता है। वहीं एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करते हैं कि एसेंट ऑफ सैप, मतलब वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा आता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और इसके टैपरिंग एंड्स क्या हैं आपको देखने को मिलेंगी। इनकी वॉल हाईली लिग्निफाइड होंगी और इसमें ल्यूमन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ल्यूमन का जो साइज है, गैप जो है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इसके अलावा आ जाता है जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्या है, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं। देखिए अभी तक हमने जाइलम के तीन पार्ट्स पढ़े थे, उन तीनों में क्या था, डेड था, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये लिविंग है। अब बात आती है बच्चों फ्लोएम की। फ्लोएम क्या है, द डेड मैटर इन देयर देम इज नोन एज द बास्ट। जो डेड मैटर है इनके अंदर उसको हम क्या कहते हैं, बास्ट कहते हैं। मेन फंक्शन क्या है, फूड मटेरियल को कंडक्ट करना, ताकि लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स तक फूड मटेरियल को क्या किया जा सके, ट्रांसलोकेट किया जा सके। फ्लोएम के चार एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। अब देख लीजिए यहाँ पर सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स की अगर मैं बात करूँ तो ये लिविंग होते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, कम होता है। एट ए मैच्योरिटी अगर देखें तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती हैं और सेलुलोज की बनी होती हैं। ट्रांसवर्स जो वॉल है सीव ट्यूब्स की आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम सीव प्लेट के नाम से जानते हैं। ये फूड मटेरियल को कंडक्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा आता है बच्चों कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो सेल्स हैं ये कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। ध्यान से सुनना, ये सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती हैं। वॉल कैसी होती है, थिन नैरो, और इसके फाउंड अटैच टू द लेटरल साइड ऑफ द सीव एलिमेंट। ये एबसेंट होते हैं ट्रेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में। ध्यान से समझ लीजिएगा, कंपेनियन सेल्स ट्रेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। सीव ट्यूब्स का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। अब आ जाती है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको बास्ट फाइबर के नाम से जाना जाता है। ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर कहलाती है। थिक वॉल होती है, इनका ल्यूमन क्या होता है, नैरो होता है। दूसरा इसमें एक बात और लिख लीजिएगा, ये क्या है, डेड टिश्यू होती हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट ही क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। इसके अलावा आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये लिविंग होती हैं और इनकी जो वॉल होती है बहुत ही थिन होती है, पतली होती है। ये एबसेंट होते हैं मोनोकॉट और कुछ डाइकॉट के अंदर। इनका जो चीफ फंक्शन है पैरेन्काइमा का वो क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर करना, जैसे कि म्यूसिलेज, टैनिंस और रेजिन्स, इन सब्सटेंस को भी क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करती हैं। तो होपफुली गाइस आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। आज हमने क्या किया है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी होने के बाद एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन करती है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के क्या जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वैस्कुलर प्लांट होता है। क्यों, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको वैस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो टिश्यूज होती हैं लिविंग और डेड दोनों होती हैं। प्राइमरी की बात करें और सेकेंडरी की बात करें, ये डिपेंड करते हैं इनके मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होती है वो वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल को क्या करते हैं, प्लांट के वेरियस पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है बच्चों, फ्लोएम। ये नीचे जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। मैंने आपको इसमें बताया कि जाइलम की सहायता से मेन फंक्शन क्या है, कि ये वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं बेटा, कंडक्ट करने का काम करते हैं। प्राइमरी जाइलम एलिमेंट किससे बनती हैं, प्रोकैम्बियम से बनती हैं, जो कि एपिकल मेरिस्टेम के अंदर पाई जाती हैं। और सेकेंडरी जाइलम किससे बनती हैं, ये बनती है बच्चों वैस्कुलर कैम्बियम, जो कि लेटरल मेरिस्टेम के अंदर पाई जाती है,
जाइलम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो चार एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा। ये थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिएगा इनका, जाइलम और फ्लोएम का। इसके बाद मैंने आपको जाइलम ट्रैकेट्स के बारे में बताया। जाइलम ट्रैकेट्स क्या है? लिग्निफाइड होते हैं, डेड सेल्स होती हैं और इनके बॉर्डर बिट्स होते हैं। नॉर्मली अगर देखें तो ये वाटर को कंडक्ट करने का काम करती हैं। टेंडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं। जाइलम वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये सेल्स लॉन्ग होती हैं, ट्यूबुलर होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्रॉस वॉल आपको देखने को मिलेगा दोनों तरफ से और एंड पार्ट है वो आपस में डिजोल्व होते हैं, तो इस प्रकार से एक पाइप लाइक चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हेल्प करते हैं एसेंट ऑफ सैप इन द एंजियोस्पर्म। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है वाटर के साथ जो मिनरल्स है वो क्या है, वन डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल फॉर्म में क्या होते हैं बेटा, मूव करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फिर मैंने जाइलम फाइबर्स के बारे में बताया, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और इसके अलावा स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स के बने होते हैं। इनके पास क्या होता है, हैवीली लिग्निफाइड होते हैं और ल्यूमन बहुत ही पतला होता है। नॉर्मली ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसमें जो लिविंग है वो आपको मैं बता देता हूँ। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो ये लिविंग होता है, केवल एक ही लिविंग है और तीन क्या है यहाँ पर, नॉन लिविंग है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिविंग सेल होती हैं और उनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, फूड मटेरियल स्टोर करने का काम करते हैं। अब बच्चों आते हैं बात फ्लोएम की। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में तीन सेल्स तो क्या होती हैं, लिविंग होती है और एक क्या होती है, डेड होती है। तो केवल अगर हम बात करें जो डेड मटेरियल फ्लोएम का वो क्या है, बास्ट, जिसको हम फाइबर के नाम से जानते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर भी हम उसको बोल सकते हैं। इनका मेन फंक्शन है फूड मटेरियल को कंडक्ट करना लीव से अदर प्लांट पार्ट्स में। फ्लोएम एलिमेंट्स के चार टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। अब बारी आती है सीव ट्यूब्स की। तो सीव ट्यूब्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वॉल कैसी होती हैं, ये लिविंग होती हैं लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, एट मैच्योरिटी नहीं होता है। सेल वॉल पतली होती हैं और सेलुलोज के बनी होती हैं। ट्रांसवर्स वॉल आपको देखने को मिलेगी सीव ट्यूब्स, जिस सीव प्लेट्स में बन जाती हैं। फूड मटेरियल को कंडक्ट करने का काम करती है। वहीं कंपेनियन सेल की बात करें तो ये कैसी होती है बच्चों, लिविंग होती है, वॉल थिन होती है, नैरो होती है और सीव एलिमेंट के लेटरल साइड में ये पाई जाती हैं। ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। फ्लोएम फाइबर, नॉन लिविंग टिश्यू ऑफ द फ्लोएम, जिसको हम बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर की बनी होती है। वॉल मोटी होती है, थिक होती है, ल्यूमन नैर होता है। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइड करने का काम करती हैं। लास्ट अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसी होती है, लिविंग होती है, सेल वॉल कैसी होती है, इनकी थिन होती है। ये मोनोकॉट और कुछ डाइकॉट्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो चीफ फंक्शन है पैरेन्काइमा का वो क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर करना और अदर सब्सटेंसेस को भी स्टोर करना, जैसे म्यूसिलेज, टैनिन्स और रेजिन। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो टॉपिक हमारा क्या था, और आपको ये कम से कम दो या तीन बार ज़रूर देखना है ताकि ये अच्छे से आप रिवाइज कर सके। कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ नए दिन में। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।